हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ स्लीप एंड सेल्फ कंट्रोल रिलेट टू द वेस्टिंग टाइम। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि नींद हमारे लिए इतनी ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम सेल्फ को किस तरह से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और इन चीज़ों को एक बैलेंस में रखते हुए टाइम को कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। टाइम, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू है। टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पे जा रहे हो या आपने कोई बस बुक की हो या किसी ट्रेन पे जा रहे हो, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचते हैं तो वो बस या ट्रेन निकल जाती है और तब आपको पता चलता है कि हाँ, टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप कोई असाइनमेंट, कोई टेस्ट देना चाहते हैं या अगर आप टेस्ट सेंटर बहुत ही लेट पहुंचे या आपकी असाइनमेंट वो या वो टेस्ट सबमिट ना हो, तब आपको पता चल सकता है कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट होने से बचा सकती हैं, एक स्लीप और दूसरा सेल्फ कंट्रोल। अगर ये दोनों चीजें आप कंट्रोल कर ले, इन दोनों चीजों पे आपकी ग्रिप बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्लीप की। देखें, नींद करना हर इंसान का एक जो है बेसिक उसका हक है, क्योंकि बगैर स्लीप के, बगैर नींद किए इंसान प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक मुकम्मल नींद हो सकती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरा दिन सोते रहते हैं और जब वो पूरा दिन सोने के बाद उठते हैं, फिर भी उनके बॉडी में वो एनर्जी, वो या फुर्ती नहीं होती जो कि होनी चाहिए। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारा जो माइंड है या जो हमारी बॉडी है, इसको एक प्रॉपर एक टाइम, एक मतलब मुख्तसर से टाइम की नींद की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे वो माइंड या बॉडी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता है, जिससे कि वो यूज़ की हुई एनर्जी को दोबारा जनरेट कर दें। लेकिन अगर आप पूरा दिन सोते रहें, मतलब एक हद से ज़्यादा सोते रहें, तो वो उल्टा हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करेगा, जिससे कि हमारी टाइम भी वेस्टिंग हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 है सेल्फ कंट्रोल। हमें खुद पे बहुत अक्सर काबू नहीं होता। अगर हम कोई काम करते हैं, या तो वो हम काम बिल्कुल ही नहीं करते, या अगर करते हैं तो हम एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमारा टाइम वेस्ट होता है या तो उस चीज़ में करते करते इतने मगन हो जाते हैं कि जो काम इम्पॉर्टेंट होता है वो हम करते ही नहीं। इसी वजह से स्लीप और सेल्फ कंट्रोल, इन दोनों पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं। तो जब आप वो एक लिस्ट बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दिन के 4-5 काम सेट कर लिए और आपने सोचा कि आज मैंने ये काम करने हैं, लेकिन आपको साथ में नींद आ रही है और आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो स्लीप को यानी नींद को कंट्रोल करने का बेसिक रीज़न वो यही है कि हमारा जो माइंड है ये बहुत ही शार्प है, लेकिन इसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जी हाँ, माइंड को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो इस तरह से कि जब आप कोई एक 4-5 काम सेट कर लेते हैं और आप कहते हैं मैंने आज पूरे दिन में ये काम करके ही रहने हैं, तो अब हमारा जो माइंड कहता है वो कहता है कि भाई चलो सो जाए, सोने के बाद हम दोबारा ये कर लेंगे। लेकिन नहीं, वहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सेल्फ को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। हमें ये बताना चाहिए कि चलो यार, ये एक काम है, 10 मिनट के लिए मैं ये काम करता हूँ, फिर जी भर के नींद करूँगा, तो वो हमारा माइंड प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर जब हमने एक काम कर लिया, फिर हमें माइंड को कहना चाहिए कि यार चलो एक और ये भी काम 5 मिनट के लिए करते हैं, फिर जी भर के हम नींद करते हैं।
तो इस तरह से करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे काम हो भी जाएंगे। और जब आपके सारे काम अच्छे से हो जाएं, फिर आप चाहे तो नींद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो उसकी सेविंग होगी, टाइम आपका बचेगा। और इस तरह से इस रूटीन में चलते चलते आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।